हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा मिशन ने भी एस एस आर एन डबल ए का इंग्लिश का मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 9 नंबर तक का मॉक टेस्ट कवर करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये मेरा मॉक टेस्ट नंबर 10 है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, आज टाइम को वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो कराऊं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी टाउटस डैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन नो एरर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको ध्यान से सिर्फ रीड करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एरर है ऑप्शन नंबर डी में है। अब आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर कैसे हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। हिज ऑन है, हिज किस में आता है, हिज क्या है, हिज आपका ही का पॉजेसिव डिग्री है। किसका पॉजेसिव डिग्री है, ही का पॉजेसिव डिग्री क्या होता है, हिज है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऑन है, तो ऑन का पॉजेसिव डिग्री हम आपको बताए हैं कि ऑन का पॉजेसिव डिग्री क्या होता है। तो आप लोग कहेगा सर ऑन का पॉजेसिव डिग्री होता है वंस, क्या होता है वंस। तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, हिज के स्थान पे, हिज के स्थान पे वंस का प्रयोग करना है, ना कि हिज का यूज करना है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग को हम कई बार करवा चुके हैं, इसलिए हम चाहेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग खुद से फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप कि इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करने का कोशिश किए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, द मिनिस्टर एलॉन्ग विथ हिज पार्टी कलीग्स Have you been invited to the party? इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, along with आया हुआ। अब along with देखकर आप लोग को एक एक ट्रिक याद आ रहा होगा, यानी एक रूल याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को एक एक चीज के बारे में हम बताते जाएंगे। देखिए along with, अगर किस कोई सेंटेंस में along with, together with rather than इन एडिशन टू आया रहे, जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, रेदर देन, एकॉम्पेंड वाई, सभी आया रहता है, तो हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम रूल को नोट करके लाए हैं, क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट ये सभी वर्ड से जुड़े हो, यानी ये सभी वर्ड से जुड़े हो, तो वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब का प्रयोग हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये मेरा सिंगुलर है, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन हमको सेकेंड सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, इसलिए मेरा वर्ब का यूज जो होगा ये भी मेरा सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हैव का जो यूज किया है, हैव आपका क्या है, आपका प्लूरल है, इसलिए हम हैव का यूज नहीं करके हैव के स्थान पे हम हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये सारा रूल आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़ जाइए और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को यहीं से प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग सोल्व नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी एकदम ठप है। और अगर नहीं सोल्व हो पाता है तो मेरा सारा प्रीवियस वीडियो देखिए और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट को उठाइए और उसके बाद आप सोल्व करने बैठिए। अगर आप मेरा 10 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, और हम वादा के साथ कहते हैं अगर आप मेरा 10 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का 10 प्रैक्टिस सेट देख लिए और उसके बाद एक कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए इंग्लिश का और उसके बाद सोल्व करने बैठिए, कम से कम उसमें 10 नंबर आप लाइएगा। कितना, कम से कम उसमें 10 नंबर का स्कोर आप लोग कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विथ नो एरर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ हैव को देखते हैं आप लोग को क्या पता लग रहा है, ये आपका प्लूरल सेंस दे रहा होगा। और यहाँ देखिए ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ में क्या कर दिया, लॉ में एस लगा दिया। लेकिन हम आपको कई बार बताएं फ्रेंड्स इस तरह का वर्ड में, जैसे ब्रदर इन लॉ रहेगा, फादर इन लॉ रहेगा, मदर इन लॉ रहेगा। जैसे यहाँ देखिए ये आपका ब्रदर है, ये आपका इन है और ये आपका लॉ है। तो हम लोग इन में एस नहीं लगाएंगे, ना ही लॉ में एस लगाएंगे। हम लोग किस में एस लगाएंगे, ब्रदर में लगाएंगे, फादर में लगाएंगे, मदर में लगाएंगे। जब हमको ब्रदर इन लॉ,
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब काम को क्या करना रहे, ये सभी काम को प्लूरल जब करना लग रहे तो हम लोग ब्रदर, मदर, मदर, फादर, सिस्टर जो भी हो उसमें एस या ईएस लगाएंगे, ना कि इन और लॉ को हम लोग छुएंगे भी नहीं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए में लॉ में एस लगा दिया है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए में एरर हो गया। और लॉ के लॉ से एस को हटाकर हम लोग कहाँ लगाएंगे, हम लोग ब्रदर में एस लगाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को एक एक रूल्स को हमें अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टिमुलेट, एस्टिमुलेट का क्या करना है, करा एस्टिमुलेट का करा एंटोनियम फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि एस्टिमुलेट का हिंदी क्या होता है, तो स्टिमुलेट का हिंदी होता है फ्रेंड्स प्रोत्साहित करना, क्या होता है प्रोत्साहित करना। आई होप कि आप लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, क्योंकि स्टिमुलेट का हिंदी क्या होता है प्रोत्साहित करना, फिर बढ़ावा देना। तो स्टिमुलेट इसका, प्रिवेंट इसका क्या होता है, प्रिवेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि प्रिवेंट का हिंदी क्या होता है रोकना होता है, क्या होता है रोकना। और बात कर ले फ्रेंड्स इनकरेज का हिंदी क्या होता है, तो इनकरेज का हिंदी भी वही होता है प्रोत्साहित करना या फिर बढ़ावा देना। और एनिमेट का हिंदी भी होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देनी है। और अर्ज का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ज का हिंदी होता है आपका अनुरोध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉर्डियल को आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि कॉर्डियल का हिंदी क्या होता है, तो कॉर्डियल का हिंदी होता है हार्दिक, क्या होता है हार्दिक। और इसका क्या फाइंड आउट करना, इसका हमको एंटोनियम, सॉरी इसका हमको सिनोनियम फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, सिनोनियम फाइंड आउट करना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हर्टी हो जाएगा। हर्टी का हिंदी क्या होता है, हर्टी का हिंदी भी होता है आपका हार्दिक। और बात कर ले फ्रेंड्स अनफ्रेंडली का हिंदी क्या होगा, तो अनफ्रेंडली का हिंदी होता है निर्दयी। और सिंसियर का हिंदी क्या होता है, सिंसियर का हिंदी होता है ईमानदार। और बैडविल का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, तो बैडविल का हिंदी आप लोग को पता होगा कि बैडविल का हिंदी होता है बुरी इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रिया इज इंगेज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स राजेश, दे विल बी मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इंगेज्ड, इंगेज्ड मतलब क्या होता है, इंगेज्ड मतलब होता है सगाई करना या फिर संलग्न करना, क्या होता है सगाई करना या संलग्न करना। अगर इंगेज्ड, अगर इंगेज्ड कोई व्यक्ति के साथ हो यानी कोई पर्सन के साथ हो तो उसका मतलब होता है सगाई करना, लेकिन अगर इंगेज्ड का प्रयोग कोई वस्तु के साथ हो तो उसका मतलब होता है काम करना या फिर संलग्न करना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इंगेज्ड का प्रयोग कोई व्यक्ति के साथ हुआ, प्रिया और राजेश के साथ हुआ यानी पर्सन के साथ हुआ, तो इसलिए इंगेज्ड जो अपने साथ प्रीपोजिशन का फिल करेगा फ्रेंड्स, इंगेज्ड जो अपने साथ प्रीपोजिशन को लेगा ये टू प्रीपोजिशन का लेता है, मतलब अगर इंगेज्ड का प्रयोग किसी पर्सन के साथ होता है तो वह अपने साथ टू प्रीपोजिशन का लेता है, और लेकिन वही जब इंगेज्ड का प्रयोग कोई वस्तु के साथ होता है तो वह अपने साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम नोट करके लाए हैं इंगेज्ड इन समथिंग, इंगेज्ड का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हो तो उसके साथ इन आता है, लेकिन वही जब इंगेज्ड का प्रयोग कोई व्यक्ति के लिए, कोई पर्सन के लिए हो तो उसके साथ क्या आता है टू आता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ज्यादा चिंता लेने वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है, टेररिस्ट मस्ट नोट बी लेट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है टेररिस्ट मस्ट नोट बी लेट, मतलब यहाँ पे इन का प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा, आउट का प्रयोग होगा या डाउन का प्रयोग होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, इसका मतलब होता है टेररिस्ट मस्ट नोट बी लेट ऑफ, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है चोर को बिना कठोर सजा दिए ही छोड़ देना, क्योंकि लेट ऑफ का, लेट ऑफ का मतलब होता है बिना कठोर सजा दिए ही छोड़ देना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बारी बारी से हम सभी को बता देते हैं, लेट इन का मतलब क्या होता है, लेट इन का मतलब होता है अलाउड टू एंटर यानी भीतर आने देना, तो चोर को कोई भीतर तो आने देगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा इलिमिनेट हो गया। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना कठोर सजा दिए छोड़ देना, यानी ये मेरा राइट था। और लेट आउट का मतलब क्या होता ना फ्रेंड्स, बाहर जाने देना, मतलब चोर को तो ऐसे ही कोई बाहर जाने देगा नहीं, उसे कुछ तो सजा देगा, कठोर सजा नहीं देगा लेकिन सजा तो देगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट था और ऑप्शन नंबर सी भी मेरा इलिमिनेट हो गया। बात कर ले फ्रेंड्स लेट डाउन का मतलब क्या होता है, तो लेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतार देना, गिरा देना या फिर निराश कर देना। चोर अगर आपका घर में प्रवेश करेगा तो आप उसे नीचे उतारेंगे या फिर उसको निराश करेंगे, उसे सजा देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
डज ही हेल्प यू, इसको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। आई होप कि आप लोग इसे चेंज करने का कोशिश किए होंगे और इसका आंसर हम चाहेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और ये आपका होमवर्क है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन का इलाज लेते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं आता है तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये लिखे सर इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो फिर हम वहीं पर रिप्लाई देंगे। आप लोग तो एक बार कमेंट तो करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको भी चेंज करना है किसमें, चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो देखिए आप लोग को हम एक बार रूल बताए थे फ्रेंड्स, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट शायद हम 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो उसमें एक रूल बताए थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में रहे, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में रहे और उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, शुड का यूज करते हैं, SHOULD शुड का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा, जल्दी बुक वगैरह में नहीं मिलता है इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, क्या करना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करना इनडायरेक्ट में। तो आप लोग गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ सेज आया ना कि सैड आया हुआ है, आप लोग क्या गौर कीजिएगा, यहाँ पे सेज आया है ना कि सैड आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग इसका राइट आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश किए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बोले सर ऑप्शन नंबर ए भी आपने राइट किया था, ऑप्शन नंबर ए को रॉन्ग क्यों कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए को इसलिए मैंने रॉन्ग किया फ्रेंड्स, यहाँ के क्योंकि यहाँ पे देखिए सेज है और सेज किसमें चेंज होता है, सेज आपका टेल में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है फ्रेंड्स, तो सेज आपका टेल में चेंज होता है। और टोल्ड जो है फ्रेंड्स, टोल्ड सेड आपका टोल्ड में चेंज होता है, टोल्ड किसमें चेंज होता है, सेड में, यानी सेड आपका टोल्ड में चेंज होगा और टोल्ड आपका सेड में चेंज होगा और टेल आपका सेज में चेंज होगा और सेज आपका टेल में चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आप लोग कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी भी तो राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि अगर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ सेज के जगह सेड रहता तभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटेंस टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ सेज है तो सेज अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कंजंक्शन को चेंज करेंगे और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसके जगह सिर्फ हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ क्या किया है, कंजंक्शन को चेंज किया है, यानी आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है फ्रेंड्स, तो आई आप लोग कहेंगे सर आई आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही आएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, योर है, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आप लोग कहेंगे सर योर तो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये योर आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सेकेंड सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मी के अकॉर्डिंग माई आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सैड वाला है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इसी तरह से अरेंज किया है, क्योंकि सेज और सेड में आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस तरह से तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए यहाँ सेड आया हुआ है, अब सेड आ गया तो हम लोग सेड के बदले क्या लाएंगे, टोल्ड लाएंगे, क्या लाएंगे, टोल्ड लाएंगे। और यहाँ जो देखिए टेंस है, एम की जगह ई जे एम आर की जगह क्या आता है, ई जे एम आर की जगह वॉज बियर आता है, आप लोग जानते होंगे कि ई जे एम आर की जगह वॉज बियर का प्रयोग होता है। अब हम लोग को देखना है फ्रेंड्स टोल्ड और वॉज बियर किसमें है, तो आप लोग कहिएगा सर टोल्ड और वॉज बियर हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसी प्रकार से चेंज करना है, और बाकी हम जो कंजंक्शन का चेंज करते थे तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी ये सभी इसी तरह से करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही केम फिल इन द ब्लैंक माई रूम, ही केम फिल इन द ब्लैंक माई रूम, मतलब वह आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मेरे रूम में आ रहा है, यानी मोशन के साथ आ रहा है, क्या आ रहा है, मोशन के साथ आ रहा है, क्योंकि आ रहा है तो गति से आ रहा है। तो हम आप लोग को कई बार बताए हैं कि अगर मोशन का यूज हो, अगर मोशन का सेंस मिले तो हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं, इन टू का यूज करते हैं, इन का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं रूम के अंदर हूँ तो मैं रूम के अंदर पहले से हूँ यानी स्टेबल हूँ, तो वहां पे हम लोग इन का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे हम रूम के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, इन टू का यूज करेंगे, जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन में कहा गया ही केम इन टू माई रूम, मतलब वह मेरे रूम की तरफ आ रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वॉज सिटिंग, सी वॉज सिटिंग मतलब वह बैठी है, कहाँ बैठी है, हर ब्रदर अपने ब्रदर के किनारे बैठी है, या बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है क्या, बिसाइड्स का मतलब होता है
के अतिरिक्त, और ये वाला भी साइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला भी साइड का मतलब होता है के बगल में, तो वह बैठी है मतलब अपने ब्रदर के बगल में बैठी हुई है, तो ये वाला भी साइड का यूज होगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नोट करके लाया हुआ, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त, मतलब वह बैठी है अपने भाई के अतिरिक्त, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब वह अपने भाई के इन द साइड ऑफ, यानी अपने भाई के बगल में बैठी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्लेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी स्थान जहां फसल का बढ़ोतरी होता है, जहां फसल बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोग को हम कई बार करवाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्म। फार्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फार्म का मतलब होता है खेत, और फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है मैदान, कॉर्टी यार्ड का मतलब क्या होता है, तो कॉर्टी यार्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉर्टी यार्ड का मतलब होता है आंगन, एंड ग्राउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्राउंड का मतलब होता है आपका मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडियम फ्रेज से क्या कर रहा है, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन से परे होना, क्या होना, वर्णन से परे होना, तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, इसे एक लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो कराऊं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के साथ साथ आप लोग के फ्रेंड को भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।